स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मीना. टुडे आई विल टीच द न्यू चैप्टर. इस चैप्टर नेम इज़ क्लाइमेट. ओके, लेट बी स्टार्टेड. फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी इज क्लाइमेट. जनरली इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड योर टेक्स्ट बुक. आफ्टर दैट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थ्रू दिस वीडियो. ओके, जनरल वेदर कंडीशन ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years पीरियड इज सेट टू द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. ओके स्टूडेंट, फॉर ए लॉन्ग पीरियड शो द क्लाइमेट. वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके स्टूडेंट, वेदर रिप्रेजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम. ओके, द ग्रुप ऑफ द वेदर मेक अ क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया. टेम्परेचर, एटमोसफेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स. बिकॉज स्टूडेंट्स वेदर आर द पार्ट ऑफ क्लाइमेट, सो बोथ ऑफ मेन एलिमेंट्स आर टेम्परेचर, एटमोसफेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन मीन्स टू रेन. जनरलाइज मंथली एटमोसफेरिक कंडीशन डिटरमाइन द बेसिक ऑन विच आर डिवाइडेड इंटू सीजन्स, समर, विंटर, रेनी, ओके, ऑटम. सच एज इंडिया हैज मॉनसून टाइप सीजन. ओके, इंडिया हैज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. मॉनसून इज बेसिकली इज अ सीजनल रिवर्सल इन द विंड थ्रू द ईयर. देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द टेम्परेचर फ्रॉम रीजन टू रीजन. ओके, फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन इट्स अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफर फ्रॉम वन पार्ट टू इंडिया टू अनदर. कोस्टल एरिया ऑब्जर्व लेसर डिफरेंस इन द एटमोसफेरिक कंडीशंस. इट इज द इंटीरियर इंडिया दैट एक्सपीरियंस टेम्परेचर कंट्रास्ट. ओके, decrease in rainfall is less from east to west in north plains. All these influence diversity in the profession, food, dress, houses of the people. Okay student, humne first of all read kiya what is climate. Student, long period represent karta hai climate aur day to day change is weather. Weather aur climate ke main elements hai temperature, atmosphere, pressure, wind and humidity. Okay, these conditions represent the one year सीजन. ओके, और इंडिया के इंडिया का कौन सा क्लाइमेट है? मॉनसून. और मॉनसून क्या रिप्रेजेंट करता है? द विंड वे. और कोस्टल एरियाज पे डिफरेंट प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, रेनफॉल डिफरेंट डिफरेंट रीजन से होता है. तो ये रीजन किस रीजन से हमारे इंडिया में नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट क्या क्यों इतने डिफरेंसेस है सेम क्लाइमेट होने के बारे में, तो हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे. द इंटरप्ले ऑफ द लैटिट्यूड, altitude, distance from the sea, pressure, wind system, ocean current, relief features determine the climatic condition of a place. Okay, these are the main climatic controls by this any area changes environment. Okay, the main important factor of this chapter is factor affecting the India's climate. Okay, these are altitude, latitude. Student, you should to know about the altitude, latitude. You these topics read in the 6th and 7th class. Okay, reminded. The topic of cancer passes through the middle of the country from the Run Cut to Mizoram. Air temperature generally decrease from equator to poles. Okay, temperature and air pressure decrease as move from surface of earth higher altitude. The Himalaya prevent the cold winds from the Central Asia from the entering of subcontinent. The climate and the associated weather condition in the India are governed by the various atmospheric conditions, namely pressures and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbance and tropical of cyclones. The sea exerts a moderate influence on the climate. People far away from the sea experience extreme weather conditions. This is known as the continentality. Okay, ocean current is also affect the climate of the coastal area. Coastal area, ocean current also affect the climate of coastal area. And apparent force caused by the earth's rotations is the coastal force. Okay, अर्थ रोटेशन के कारण ही कोरोसल फोर्स का अपकमिंग होता है, जिससे विंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और क्लाइमेट चेंज होता है विंड से. हॉट विंड से क्या होगा वहाँ का वेदर? गर्म. और कोल्ड विंड मूव करेगी तो कोल्ड. द विंड डायरेक्शन चेंज एज पर द सीजन. दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन विंटर, वेयर एज कम्प्लीटली रिवर्स इन द समर ब्रिंगिंग मॉइस्चर. जस्ट अ नैरो बेल्ट इज अ हाई अल्टीट्यूड अबाउट द
12,000 meter. Wesley wind is the troposphere. The western cyclonic distribution are weather phenomena of the winter months brought by the Wesley flow from Mediterranean region. Okay student, तो हमने फैक्टर इफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट के बारे में पढ़ा. वाई वट आर द मेन रीज़न दिस वे आवर क्लाइमेट चेंज. द फर्स्ट रीज़न इज एल्टीट्यूड लैटिट्यूड. विद द हेल्प ऑफ दिस आवर क्लाइमेट मच मोर इफेक्ट. यू डू यू नो प्रॉपर द टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड आवर इंडिया इन टू पार्ट्स. ओके, द नियर द टॉपिक ऑफ कैंसर द एनवायरमेंट चेंज. The temperature generally decrease from the equator to poles. Do you know at the equator sun rays direct पड़ती है, जिसके वजह से equator का जो area है 0 to 30 degrees तक वहाँ पर क्या है, temperature गर्म होता है. ठीक है, after that pole की तरफ move करते हैं तो वहाँ पर rays sliding way में पड़ती है, तो वहाँ पर temperature low होता है. Temperature and air pressure decrease as move from surface of earth to higher altitude. Student, जैसे हम हिमालय की तरफ जाते हैं, हाँ मतलब अर्थ सरफेस से altitude की हाइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. दे आर द मेन रीजन ऑफ दिस. हिमालय प्रिवेंट फ्रॉम द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंटरिंग इन द सब कॉन्टिनेंट. द सब कॉन्टिनेंट वर्ड इज रिप्रेजेंट आवर इंडिया बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट और द एशिया कॉन्टिनेंट हैज द इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट. ओके स्टूडेंट.